हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। जैसा थंबनेल में आप देखे होंगे कि आज हम हाई स्कूल और इंटर या यूपी बोर्ड की परीक्षा की एग्ज़ाम की डेट जो है उसको कब आउट होगी, कब आपकी डेट शीट आएगी, उसके लिए हम आपको न्यूज़ लेकर आए हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि ये आपका इंडिया न्यूज है, इंडिया पर आपका india.com पर आपको ये न्यूज आई ही है, और दैनिक जागरण या आपका jagran.com पर जो भी है न्यूज उसको भी हम दिखाएंगे। तो पहले हम आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज पर क्या है। जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि कोरोना काल में आपका 30% सिलेबस कट गया है, 30% सिलेबस कट गया है, तो अभी और सिलेबस भी कटेंगे, क्योंकि कुछ परसेंट सिलेबस कटने की संभावना, आपका 45% सिलेबस बचने वाला है, उसके बाद आपका कुछ और नहीं रहेगा। 30% पहले ही कटा है, आप समझ रहे हैं, इसके बाद आपका भी टोटली आपका 45% या 46% आपका पेपर होगा, जिसमें से पहले आपका 33% पे पास करते थे, तो हो सकता है कि 26% पे पास करें। अभी ये कोई लिखित नहीं है, लेकिन न्यूज़ में ये आ रहा है, तो आपको 26 सिलेबस कम होगा। तो एक बात और ध्यान रखिए, सिलेबस अगर कम हो रहा है तो आपका एक ही पार्ट से, जो आपके एक पार्ट से आपके दो क्वेश्चन निर्धारित होते थे, तो अब की बार एक पार्ट से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि पार्ट तो आपके कुछ कट गए हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो पार्ट पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, उसको हम वीडियो डाल चुके हैं और डाल रहे हैं एक एक करके, हम सारे विषय को, गणित में कैसे पास करना है, आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो एक वीडियो हमारी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं जाकर चैनल पर देख लीजिए, उससे आप पास आराम से हो सकते हैं गणित में। अंग्रेजी में हम बताएँगे कैसे पास करना, चाहे आप कुछ भी ना पढ़े हो, आप एकदम ना पढ़े हो तब भी आप गणित और अंग्रेजी पास होने की गारंटी हम लेते हैं, बस आप कमेंट करिएगा। तो आपको जो पार्ट पढ़ना है उसको ठोस पढ़ना है, क्योंकि उसमें से आपके 2-4 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और न्यूज़ क्या है, न्यूज़ चलते हैं दिखाते हैं, ये आपको देखिए, इसमें यहाँ यूपी बोर्ड द्वारा इस महीने में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं टाइम टेबल जो है आपका, संभावना जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड में कमी जो सिलेबस में हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जो हमने बताया है, और क्या क्या है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 30% सिलेबस की कमी हुई है बीमारी के कारण, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिससे कि आपकी, चूँकि इंटरनेट स्मार्टफोन होने की वजह से, ना होने की वजह से कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी आपका प्रॉब्लम ही है। तो इस तरह से इसकी डेट शीट अभी क्लियर नहीं हो पाई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सुझाव दिया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो हैं वो भी देखो ऑफिशियली कुछ कहने वाले हैं, देखिए आजकल में उनकी एक मीटिंग होने वाली है, तो उसमें आपको दिसंबर में ही जारी कर दिया जाएगा एग्जाम डेट शीट, तो दिसंबर में आपको मिलेगा। और जो आपको टेंपरेरी एग्जाम डेट है, जो आपकी संभावित डेट है पहले की, फरवरी 18 फरवरी से है, आपको 18 फरवरी से है, ये डेट की हम अभी आपको दिखाते हैं, ये PDF उसको दिखाते हैं, आप डाउनलोड भी कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, इसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम दे देंगे, और क्या डेट है उसको हम दिखा देते हैं, और ये इस न्यूज़ को पूरा दिखाते हैं। इतनी न्यूज थी, ठीक है, चलिए हम आगे और न्यूज को दिखाते हैं। इसमें आपकी देखिए, ये आपकी डेट शीट है, जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है आपको 18 फरवरी से, मंगलवार के दिन से, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर आपका हाई स्कूल की टाइम टेबल है, और ये 2 बजे से 5 बजे जो ये वाली है, ये आपका इंटर की है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले आपका हाई स्कूल का हिंदी, उसके बाद आपका पाली हिंदी, जो भी है सारे क्रम से दिए गए हैं, 18 फरवरी से लेकर क्रम से आपका इस तरह से आता जाएगा। ये एग्ज़ाम डेट की PDF हम डिस्क्रिप्शन से दे देंगे, जाके वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। 26 फरवरी और यहाँ 27 फरवरी को सामाजिक विज्ञान है, तो टोटली ये था इतना। उसके बाद हम अगली PDF को दिखाते हैं, ये है देखिए, शुक्रवार को 28 फरवरी को आपका संस्कृत है, और शनिवार को 29 को विज्ञान, उसके बाद सोमवार को चित्रकला,
दो मार्च में, 3 मार्च को आपको मानव विज्ञान, 3 मार्च को आपको हाई स्कूल परीक्षा लगभग समाप्त हो जाना है, और उसके बाद इंटर की परीक्षा आपको समाप्त होगी लगभग 6 मार्च को। तो डेट ये है आपका परीक्षा 18 हाई स्कूल के लिए, सॉरी लिखते हैं 10 के लिए 18 से शुरू होगा 3 मार्च ये, और ये आपका 12th के लिए ये 18 से शुरू होगा तो आपको 6 मार्च तक चलेगा, ठीक है। एग्जाम डेट है, यही एग्जाम डेट अभी जो टेंटेटिव है सारी जगहों पर दिखाई जा रही है, और यही है अभी जो देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं और कैसे कैसे नोटिस आती है उसके लिए, जो भी जैसे जैसे अपडेट होगी हम अपडेट डालते रहेंगे, आप जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। और हाई स्कूल में जो भी गणित और अंग्रेजी और इंटर में भी जो भी परीक्षाएँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो हम लाते रहेंगे, बस कमेंट करिए आपको कौन से सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, कौन से सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है, उसके लिए हम वीडियो डालेंगे। पढ़ाई को कैसे आपको ट्रेजडी अपनाना है, आपको क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना है, आपको जो स्ट्रेटजी अपनाना है उसको हम बताएंगे, कैसे कैसे पढ़ाई करना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन से विषय को, कौन कौन से प्रश्न को पढ़ना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हुआ, आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, और फिर इसी चैनल पर आइए देखिए अगली वीडियो, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।